हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं एक वीडियो के साथ अपने खिदमत में हाजिर हूँ, बिकॉज़ आई वॉज़ नॉट फीलिंग वेल। अच्छा, सुबह का ख़ास एक नई उम्मीद के साथ आज मैं जो एक टॉपिक लेके आई हूँ वो है आगाही के बारे में। हम आगाही के बारे में क्या जानते हैं? अगर हम एक लफ्ज़ पे पहचान करें तो आगाही है क्या बेसिकली? आगा गा, जब हम कोई चीज़ गुनगुनाते हैं तो हम अपने ख्यालात का इजहार कर रहे होते हैं ना, तो उन ख्यालात का जो इजहार होता है वो आपका क्या कहते हैं, आगाही कहलाता है। ही आ गा, आ अलिस से हम कहते हैं ना, आ आ गा ही हम, ठीक है। ये तीनों लफ्ज़ जब तीनों इकट्ठे मिलते हैं तो ये बनता है लफ्ज़ आगाही। आगाही बेसिकली है क्या? आगाही का मतलब है कि हम अपने बारे में आगाह हों कि हम कौन हैं। हम मुख्तलिफ़ चीज़ों में आगाही करते हैं, जैसे हम किसी टीचर है तो उसके बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में आगाह होते हैं। मैं हूँ, मैं अपनी शख्सियत के मामले में आगाह होंगी, ठीक है। उसके साथ ये कि कोई भी नॉलेज जो आप अपने अच्छे और सही प्रिस्क्रिप्टिव के साथ आप हासिल कर सकें वो आगाही कहलाता है। देखिए, आगाही के बहुत सी मेथोडोलॉजीज़ होती हैं। सबसे पहली मेथोडोलॉजी तो ये है कि आप उन लोगों के बारे में इल्म रखते हो जिनके बारे में आपने नॉलेज लेना है। इसमें आप सब्जेक्ट से भी आ जाता है, किसी की अहमियत के बारे में आगाह होना। आजकल हम लोग इन चीज़ों में बिल्कुल पीछे हैं, क्योंकि हम लोग वो काम करते हैं जिसमें हमें कोई भी इल्म ना हो और हम लोग उन चीज़ों की तरफ अपने आप को मुतवज्जा कर रहे होते हैं। तो आगाही है क्या? आगाही है किसी भी चीज़ की पहचान, जो हमें कोई हमें नॉलेज दे आगे के लिए, वो आगाही कहलाता है। अब दूसरी चीज़ मैं ज़रा बताना चाहूँगी आपको, शख्सियत। अब शख्स का क्या मतलब होता है? शख्स का मतलब होता है कि हम लोग कोई भी चीज़ शख्स है, किसी शख्स के बारे में आप जानना। शख्स एक शीशा होता है ना, शीशा, और हम ख़ास, खे ख़ास, शख्स, शख्सियत और आगाही, ये दोनों लफ्ज़ मिलते हुए हैं कि हम जब शीशे पर खड़े होते हैं तो हम अपने आप को देखते हैं, रोज़ाना ही देखते हैं इवन, क्योंकि हम लोग बाहर होते हैं तो हमें डेली नज़र आ रहा होता है कि हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारी अहमियत क्या है। अब हम अपनी शख्सियत को देख के हम आगाह हो रहे होते हैं, ठीक है। हम क्या हो रहे होते हैं? आगाह हो रहे होते हैं। हमें नॉलेज हो रहा होता है कि भाई हम कैसे हैं, हमारी पहचान क्या है, हमें हमारे अंदर का किरदार कैसा है जो हमें निखरने में मदद करता है। तो जब ये सब चीज़ें एक जगह पे मिल जाती हैं तो वो आपकी एक आगाही कहला देता है। तो नॉलेज आने से बनता है, सब समझने से बनता है, और समझने का मतलब यही होता है कि आप उस चीज़ को जान सकें और पहचान सकें कि हम कौन हैं। हम अपने शीशे पे खड़े होकर हम अपनी शख्सियत का मुआयना कर रहे होते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है जब हम किसी के बारे में या कोई भी चीज़ के बारे में हम नॉलेज ले रहे होते हैं। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप इन चीज़ों के बारे में अहमियत और इसके बारे में नॉलेज रखें, क्योंकि जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगी ना, वो चीज़ें आपके लिए आगे मुश्किल हो सकती हैं। गॉट इट? अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स जिनके आजकल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। बेटा, सबसे पहली चीज़ ये है कि मैंने अभी आगाही और शख्सियत के बारे में बात की है। किसी भी उस्ताद या कोई भी जो उस्ताद आपको पढ़ाता है, उसको आजकल मैंने नोट किया है कि बच्चे जज करते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं उनके साथ। देखिए, जजमेंटल होना अलग बात होती है, लेकिन उसका सबसे बेस्ट तरीका ये भी होता है कि आप उस उस्ताद को परखें ज़रूर, लेकिन उसको इतना लेट डाउन ना करें
कि वो आपको पढ़ा ना सके। क्योंकि देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमें हमारी अहमियत बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और जब हम इस अहमियत को भूल जाएं तो हम वो उस्ताद भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो देखिए हमें अपनी अहमियत ख़ुद बनानी पड़ती है, कोई और आके हमारी अहमियत जो है उसको नहीं बनाता। देखिए एक जो उस्ताद है ना वो पढ़ता भी है पढ़ाता भी है, कोशिश यही करता है कि जो मेरा स्टूडेंट है उसको मेरे से सारे किस्म की क्या हो नॉलेज हो, और वो अपनी पूरी हद तक मुमकान कोशिश करता है या करती है कि मेरा स्टूडेंट मुझसे सेटिस्फाइड हो। बट आप आजकल अफसोस की बात है कि टीचर को जज किया जाता है। देखिए जज करना अलग बात है, मजाक उड़ाना अलग बात है, आप टीचर को इतनी स्पेस दो कि वो आपके लिए आसानी पैदा करे, क्योंकि टीचर कभी भी आपके लिए मुश्किल पैदा नहीं करता। तो आप कोशिश करें कि अपने आप को उसके सामने मत लेट डाउन करें, अपने आप को उसको परखें, उससे फिर पूछें, और फिर आपके लिए हर जो मुश्किल चीज़ है वो आसान हो जाएगी। ठीक है, मेरा बताने का मकसद ये है कि आप लोग हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं तो उसके बारे में आप जानें और फिर उस चीज़ को क्या करें, परखें। परखेंगे तो फिर आपको उस चीज़ के बारे में क्या होगा, नॉलेज होगा, और फिर आप उस्ताद से पूछ सकेंगे। किसी को जज करना ये आपका काम नहीं है, क्योंकि आप डेस्क पे बैठे और वो खड़ा हुआ है और वो बोर्ड के सामने आपको पढ़ा रहा है, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि आपके लिए एक सबक को आसान कर दे, तो उसको जज करना आपका काम नहीं है। ठीक है, आप कोशिश करें कि चीज़ों को हमेशा इजी वे पे लेके जाए। ठीक है, उस्ताद को अहमियत दें, उस्ताद भी आपके साथ कोशिश करेगा कि वो आपके लिए चीज़ों को क्या करें, आसान करें, क्योंकि उसको नौकरी पर रखा इसीलिए गया है। ठीक है, जो उसको ज़िम्मेदारी दी गई है वो करेगा या करेगी जो भी है, लेकिन आप कोशिश ज़रूर करें कि उसको लेट डाउन ना करें। थैंक यू।